हेलो नमस्ते, आज मैं आपको सब ऑफिस टू बीओ को स्टैम्प कैसे सप्लाई करना है इस बारे में आपको बताऊंगी। थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं, आपको याद रखना है और करना है, इतना कुछ टफ नहीं है। देखिए, मेनू है माई गो या माई जीओ, एंटर दीजिए। माइगो टाइप करने के बाद यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर रिमूव फ्रॉम स्टोरेज ही रहना चाहिए। जो आप काम करना करते हैं ना, उसका ही आपको मतलब जो स्टेप्स है ना याद रखना है। यहाँ पर सब कुछ है, इसके बारे में आप मत सोचिए, ये ट्रांसफ़र है, ये सब कुछ आपको जो करना है ना उसके बारे में ही आपको ध्यान रखना है। रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लेना है और यहाँ पर ना मटेरियल डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, यहाँ पर अदर ही लेना है। और यहाँ पर देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर 303 है तो वो ट्रांसफ़र रहता है, वो आपको आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप जो रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लेंगे ना, तो यहाँ पर 313 ही रहना है, 303 है तो अगर आप यहाँ देखिए 303 है तो इसको रिमूव कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। 313 सिलेक्ट कीजिए और एंटर दीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना इंडिविजुअल स्लिप है ना, अगर पहले से यहाँ क्लिक है तो ओके, अगर नहीं है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रिंट आता है, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो प्रिंट नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए मटेरियल स्लिप, आप स्टेशनरी डाले हुए तो स्टेशनरी, अभी मैं स्टैम्प्स उनको सप्लाई करने वाली हूँ, अभी स्टैम्प्स मैंने स्टैम्प्स ले रही हूँ। स्टैम्प्स यहाँ पर देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मटेरियल है, क्वांटिटी है, वेयर है, ये सब कुछ आप यहाँ ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है कि आपको कौन सा स्टैम्प्स भेजना है। मैंने लास्ट टाइम में वीडियो में बोला था कि आप MB52 सामने रख कर ही आपने जो स्टैम्प्स डाला है तो वो बहुत अच्छी बात है, उस पर रहता है। मैं अभी D2016ST008, ये 1 रुपीज़ का स्टैम्प्स है, यहाँ पर आ गया। देखिए, इतना डालने के बाद बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर सब ऑफिस में ये स्टॉक है, जो स्टॉक है उसका नेम आता है यहाँ पर, एंटर दीजिए। उतना होने के बाद में आपका प्लांट आईडी, आप एचओ का प्लांट आईडी डालना है, जो आपका एचओ है ना उसका प्लांट आईडी है ना, आपको पता नहीं तो आपको एचओ को कांटेक्ट करके प्लांट आईडी लीजिए। मेरा एचओ का प्लांट आईडी है K291, ये डालूँगी और एंटर डालूँ। मैंने बोला है आपको, जो भी आप प्लांट आईडी डालिए, स्टोरेज लोकेशन डालिए, मटेरियल डालिए, आपको कंपलसरी एंटर देना है, स्पेस नहीं है, एंटर ही देना है, टैब यूज़ नहीं करना है, एंटर ही देना है। यहाँ पर देखिए, स्टोरेज लोकेशन, जो आपका सब ऑफिस का स्टोरेज लोकेशन है ना, वो एंटर करना है, एचओ का नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं सब ऑफिस का कर रही हूँ, SO08 है, ये गोका गुरुवार पेट का है। और यहाँ पर देखिए, जो आपका बीओ का स्टोरेज लोकेशन है ना, वो यहाँ पर टाइप करना है, नहीं तो आपको नहीं पता है तो आप MB52 में जाके सर्च करके आप आपका एचओ का प्लांट आईडी डालिए, नीचे जो है ना स्टोरेज लोकेशन, वहाँ स्टोरेज लोकेशन आपका नहीं लिखी है, वहाँ पर डायरेक्टली बाजू में सर्चर रहता है, वहाँ पर सर्च करके आपके सब ऑफिस का जो प्लांट आईडी है ना, आप वहाँ पर टाइप कीजिए। यहाँ पर देखिए BO81, यहाँ पर एक ही ब्रांच ऑफिस है इसलिए इनका इतना तकलीफ़ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर 10, 12, 11, 20 ऐसे रहते हैं ना, उनको मतलब आप लिख कर रखिए, एक चार्ट बनाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से सर्च करना है मुझे, वो कौन सा था, मार्केट यार्ड है वो। यहाँ पर देखिए, थोड़ा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मार्केट यार्ड, यहाँ पर देखिए मैंने डाला था ना मार्केट यार्ड BO81, मार्केट यार्ड पर डबल क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर एंटर दीजिए, आप कितना क्वांटिटी डालने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक, मैं अभी 1 सीट डालूँगी, 1 सीट मतलब 100 का रहता है, 100 रुपीज़ हुआ। उसके बाद अगर आइटम और कुछ नहीं डालने वाले हैं तो सीधा आप, मैंने पहले बोला था कि चेक पोस्ट कीजिए, लेकिन मैं इनको ना, मेरे पास इनके ये सब ऑफिस के पास 500 का नहीं है, मतलब 5 रुपीज़ का स्टैम्प नहीं है, इनको टोटल 500 का स्टैम्प चाहिए, इसलिए मैंने 100 का एक डाला। ओके, अभी मैं 4 रुपीज़ का डाल लूँगी। देखिए, नेक्स्ट आइटम पर मैंने क्लिक किया है, याद रखिए 2016-ST010। शायद नेटवर्क स्लो है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको धीरे से काम करना है। हाँ, यहाँ पर आया।
आया, शायद मैंने गलत लिखा था, मेरे पास श्रीनिवास रामानुजन है। हाँ यहाँ पर आया, देखिए श्रीनिवास रामानुजन पर है ना, 4 रुपीज़ 4 पैसा मीन्स 4 रुपीज़ है, 400 पैसा मीन्स 4 रुपीज़ के प्लांट आईडी। अगेन वो आपने एक बार किया तो आपका स्टोरेज लोकेशन सब कुछ रहता है। देखिए मैंने किया, ये भी आ गया, फिर से यहाँ पर आया, यहाँ पर है, देखिए मार्केट यार्ड बीओ, वही बीओ को कंफ्यूज मत कीजिए, वही बीओ को ही आपको ट्रांसफ़र करना है जो पहले किया था ना, वही बीओ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बाद में यहाँ पर आइए, क्वांटिटी कितना डाला है, ये भी 100 डाला डालो, मतलब एक सीट 400 का रहता है, वो 100 बिल्कुल कुल मिला के 500 हो गया, 100 दे दूँगी। अभी ख़त्म हुआ चेक, चेक कीजिए, पोस्ट कीजिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है ना, प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को आपको लिख कर रखना ही है, मतलब जो आप बीओ स्लिप देते हैं ना सब ऑफिस से बीओ को, उस पर आपको लिखना है। एक एक बार ये प्रिंट आता है, एक एक बार नहीं आता, इसलिए आपको जो है ना यहाँ पर है ना मटेरियल डॉक्यूमेंट, ये आपको लिखना है, कंपलसरी लिख कर रखना ही है। 197 हाँ, अभी सेम एज यूजुअल मैंने परसों आपको बोला था ना, MB 90 में जाइए, प्रिंट के लिए मेनू है MB 90, यहाँ पर जो आपने मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट किया था ना वही डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, एग्जीक्यूट नहीं तो F8 की आप प्रेस कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, इजी रहता है वो कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट करना है, चॉक बॉक्स को फिर से एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि LP01 टाइप कीजिए, एंटर दीजिए, अगर आपने नहीं किया तो आपको प्रिंट नहीं आएगा। यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू जाइए, आपको लंबा लगेगा लेकिन आप जब जब आप करेंगे ना, एक दो बार करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और काम करने में आपको मज़ा भी आएगा। ऐसे देखिए गोका गुरुवार पेट SO है, ये 2 कहाँ पर गया, मार्केट एड बीओ को गया, डेट आता है यहाँ पर, और जो है ना इनवाइस नंबर यहाँ पर है। ये प्रिंट मैंने बोला था आपको 500 का उनको स्टैम्प चाहिए था, इसको 2 स्लिप लीजिए, एक अपने फाइल के लिए रखिए, एक बीओ में जो स्लिप में रहता है ना, अगर इसका डॉक्यूमेंट आया है तो यहाँ तो कर दीजिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आया है, अगर प्रिंट नहीं आया तो आप ऐसे ही बीओ स्लिप में आप क्लिक कर दीजिए इस सबको, अगर आया तो आप इसे ही डायरेक्ट टेक करते हैं। इसके बाद में बीओ वाले क्या करना चाहिए, ज़रूरी बात, अगर बीओ स्लिप ओपन होने के बाद में अगर सर ने स्टैम्प मत नहीं तो मैडम ने स्टैम्प आपको भेजा है तो आपको वहाँ पर डेट चेंज करना है, अगर उसी दिन हुआ है तो आपको डेट चेंज नहीं करना है, डेट चेंज नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। प्लीज़ इस काम को कीजिए, कोई ये काम नहीं करता, तो प्लीज़ देखिए मेरे वीडियोस, और आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपको अगर मेरा जो बताने का तरीका अगर आपको अच्छा